आठ साल पहले बनी नरेंद्र नगर विधानसभा की पाव की देवी नाई बुगाला नसोगी लिंक रोड की हालत खस्ता हो चुकी है। पाँच साल पहले पाव की देवी से लेकर मंडेरी गांव तक की सीमा तक पेंटिंग की गई थी, लेकिन मंडेरी गांव की सीमा के 3 किलोमीटर क्षेत्र में सड़क पर की गई पेंटिंग अब उखड़नी शुरू हो गई। सड़क की पेंटिंग उखड़ने के कारण जगह जगह पर रोड़ी फैली हुई है, जिस कारण स्थानीय लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। मामले को लेकर समाज सेवी मुनिंद्र चौहान का कहना है कि स्थानीय लोग इस मामले को लेकर प्रशासन के पास कई बार जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। रोड के बारे में सर, जैसे जैसे विभाग आते रहते हैं, सारे लोग उनको कई बार बोला, एक बार नहीं 100 बार बोल दिया उनको, कुछ सुनता ही नहीं इस रोड के बारे में है। जितने भी दो पहिया वाहन आते हैं उतारने पड़ते अपने साथ की सवारी, पैदल जाना पड़ता कहीं कहीं, क्योंकि रोड जितनी इतना हो रहा है, देखने वाली बात है। आप कभी देखो साहब इसको तो कैसे हो रही रोड की हालत, ये देखिए गड्ढे पड़े, 4-4 फीट के, 3-3 फीट के हैं। अगर आपके लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग जो है उसके इस रोड के बारे में जो है सारे ये तो भूख हड़ताल करेंगे, या तो इस रोड को जो है बंद ही करवा दें वो लोग, जब नहीं सुनना उन्होंने इसके बारे में। स्थानीय लोगों का कहना कि सड़क पर हुए बड़े बड़े गड्ढों के कारण दुपहिया वाहनों का चलना दुश्वार हो चुका है। वहीं उनका कहना कि यदि प्रशासन इस मामले में संज्ञान नहीं लेता तो सभी ग्रामीण आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। रोड को बने हुए करीबन 7-8 साल हो गए हैं और ये रोड काफी क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिससे कि आने जाने में काफी परेशानी हो रही है और विशेषकर दुपहिया वाहनों के लिए अति बहुत बड़ी मुश्किल हो रखी है। अगर सरकार इस रोड को नहीं बनाते है तो पूरी जनता इसके लिए आगे कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सड़क की यह हालत किसी बड़े हादसे के होने का अंदेशा दे रही है। लोग दोपहिया वाहन में अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। अब हिंडोला पाव की देवी इंटर कॉलेज से नाई होते हुए बुगाला होते हुए जो ये रोड कौडियाला जा रही है, इस रोड के हाल कितने बद से बदतर हैं वो देखने को आज हमको मिला है। और इस पर जो टेंटिंग पेंटिंग की गई है वो बुरी तरह से उखड़ गई है। मैंने अपने सामने देखा कि लोग जो है दुपहिया वाहनों में गिरते पड़ते चले जाते हैं और कई बार लोगों ने इसकी डिमांड की है कि इस रोड की डेंटिंग पेंटिंग ठीक की जाए, लेकिन विभाग है कि जो बिल्कुल सोया पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा है कि अब डिपार्टमेंट को जगाने के लिए हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। तो देखना है जो ये महत्वपूर्ण रोड है इसको बनवाने के बारे में लोग सड़कों पर उतरते हैं या शासन या सरकार या जो डिपार्टमेंट जिसका ये जिम्मा है बनाने का वो इस पर कुछ कार्रवाई कुछ काम करता है, इसको ठीक करता है, या लोग सड़कों पर उतरते हैं। मैं वजपति रयाल नरेंद्र नगर।